बैलेंसिंग मेथड देखते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग में चार रूल है, उन चारों रूल को एक एक करके अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल हम देखते हैं, ठीक है, कह रहा है सेम क्वांटिटी कैन बी एड टू बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम सेम क्वांटिटी किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पे हम एडिंग करेंगे तो उस इक्वेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले लिखो x प्लस फोर, रेंडमली हम कोई ले लेते हैं, सिक्स ले लेते हैं, ठीक। ये इक्वेशन लिए, फर्स्ट रूल समझ रहे हैं, एकदम आराम आराम से समझो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड, ठीक है। सेम क्वांटिटी को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एड कर सकते हैं, ऑफ एन इक्वेशन, जो इक्वेशन है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। तो उस इक्वेशन के अंदर में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। और फिर से समझो जिस तरीके से शॉर्ट में समझाता हूं, ठीक है। सपोज दैट ये इक्वेशन अपने पास में दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में हम बोथ साइड पे सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो इस इक्वेशन में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दिखाते करके, तो हमने इक्वेशन क्या लिखा है, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स लिया है। रूल क्या कह रहा है कि अगर हम इक्वेशन में दोनों साइड पे हम ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि सेम रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसको मैं फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, एक्स प्लस फोर, ठीक है। अगर मैं इसमें फोर को ऐड कर दूं, ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, सिक्स को कॉपी कर लिया और इधर अगर भी हम फोर ऐड कर दें, ठीक है, तो इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचो जरा सा, देखो यार ये फोर जो है ना, ये फोर आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। समझाने का और आपको समझने का तरीका जो है थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, सोचने का नजरिया जो कहते हैं ना, सोचने का तरीका वो बदलना पड़ेगा। देखो ये प्लस है ये माइनस है, यहीं से दोनों को हम इलिमिनेट कर सकते हैं, यहीं से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी है। समझो फिर से क्या कह रहा है, अगर किसी, मैं आप बोलता हूं अपने डेफिनेशन, अगर किसी इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करेंगे या सेम फंक्शन को ऐड करेंगे तो उस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले देखो, फोर हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है और फोर हमने राइट हैंड साइड में ऐड किया है, ठीक है। अब जरा सा इसको सॉल्व करके चलते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एट, फोर फोर एट हो जाएगा, और इधर चलते हैं इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा टेन, ठीक है। इसको आप शिफ्ट करो, पहले पढ़े थे ना ट्रांसपोजिशन, वो मैंने करवाया। अब देखो यहां से क्या करना है, ट्रांसपोज करना, इसकी पोजिशन को हमें चेंज करना है। तो x इज इक्वल टू कितना जा रहा है, टेन को कॉपी प्लस, तो माइनस एट, x इज इक्वल टू कितना आया, टू आया, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया, ठीक है। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन, अब रेंडमली इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इस रूल को नहीं देखते हैं, तो देखते हैं कि x की वैल्यू क्या आता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम रूल को अगर ना देखें और हम इसको जनरली समझो कि मुझे कुछ रूल नहीं पता, ठीक है, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो आप लिखोगे x प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, x इज इक्वल टू सिक्स माइनस, तो प्लस फोर, x इज इक्वल टू कितना आया, टू आया। बता रूल में अगर कोई कंफ्यूजन है तो, हो गया क्लियर ना, ठीक है, और सिखाता हूं देखो। चलो इसी इक्वेशन में हम वेरिएबल को ही ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, वेरिएबल को ऐड करेंगे। सपोज दैट एक्स प्लस फोर ही रखेंगे इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, वहां वेरिएबल नहीं लिखा है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं, जरा देखो। अगर मैं इसमें क्या किया, एक्स को ऐड कर दिया और इधर मैंने एक्स को भी ऐड कर दिया, सोचो जरा सा, सोचो, चलो जरा सा ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स। फोर को हटा देते हैं और एक्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, चलो यार कॉपी कर रहा हूं, सिक्स प्लस एक्स, ठीक है,
इस एक्स को मैं लेके आ रहा हूं किधर, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि ट्रांसपोजिशन कर रहा हूं। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 4 प्लस से इधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है, 4 माइनस होगा, ठीक है। तो इसको पहले सब्ट्रैक्ट करोगे तो x मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 मिल जाएगा। देखो वहां तो क्या लिखा है, सेम क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे ये नहीं बताया कि फंक्शन की बात, लेकिन हमने क्या कहा कि अगर हम किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पे किसी फंक्शन का हम एडिशन करें, ठीक है, तो उस इक्वेशन में किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्या कहा, फिर से समझो, कि अगर किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड में हम सेम क्वांटिटी, सेम फंक्शन, ठीक है, सेम वेरिएबल को ऐड करेंगे, तो उस इक्वेशन में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। हमने यहां क्या कर दिया, एक्स को ऐड किया। अगर आपके दिमाग में इस तरीके का सवाल गूंज रहा कि अगर वाई हम करते तो क्या होते, जरा सा चलो उसको भी चेक करते हैं। तो एक्स प्लस 4 है, हमने वाई का एडिशन किया, ठीक है, बोथ साइड पे करना है, हमेशा याद रखना एक तरफ भी, दोनों तरफ, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। आगे भी चलते, तो एक्स क्या कर रहे हैं, वाई को उधर लेके जाओ, ठीक है, और 4 को भी उधर लेके जाओ, देखो होगा क्या, वो ध्यान रख लेना। एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है, प्लस वाई पहले से है, प्लस तो माइनस वाई, और प्लस 4 तो माइनस 4, देखो कैंसल आउट हुआ, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 6 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2, एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है। अरे बता, अगर पहले रूल में किसी तरह का कोई परेशानी है तो बिल्कुल पूछो, ठीक है, इसमें आप पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ना प्रॉब्लम हो तो फिर हम अपना रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा ना, आप आराम से इसको देख लो। इक्वेशन यही रखूंगा रूल 2 में, मिटा दिया जाए, चलिए। तो रूल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं और समझते हैं। रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है, अगर सम पहले सुनो, रूल नंबर 1 में हमने क्या सीखा, रूल नंबर में हम 1 में हमने यह सीखा कि यदि किसी इक्वेशन के दोनों साइड पे हम सेम क्वांटिटी को, सेम फंक्शन को, सेम वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। सेकेंड रूल कह रहा है कि यदि हम किसी भी क्वांटिटी में सेम नंबर को या सेम फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस इक्वेशन में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं होता। जब ऐड कर सकते हो तो दोनों तरफ घटा भी तो सकते हो ना, दोनों तरफ घटा भी सकते हो। आइए पढ़ते हैं जरा सा, लिखा है क्या लिखा है, तो इसको ब्लू से ले लेते हैं, है ना। लिखा, सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सेम क्वांटिटी को अगर हम इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड पे तो उस इक्वेशन में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, किसी तरह का मैं बोला वहां लिखा नहीं, ठीक है, तो उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चलो साथ में बोलते हैं, क्या कह रहा है कि यदि किसी इक्वेशन में बोथ साइड पे हम सब्ट्रैक्ट कर दें सेम क्वांटिटी को तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आइए जरा सा, क्वेश्चन वही रहेगा, मैंने पहले कह चुका हूं। अब क्या करना है, बोथ साइड पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस 4 कॉपी, ठीक है, कितना करोगे ध्यान रख लो, ठीक है, सेम लेना है, 4 लेना है तो इधर भी 4, इधर भी 4, 6 लेना है इधर 6 और इधर 6, दोनों ले सकते हो, कंफ्यूज मत हो ना। और ये रेट मत लेना यार कि 4 ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, 6 भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, 6 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x को मत कर देना, 0 हो जाएगा, फिर निकालोगे क्या, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 माइनस 4, देखो ये टर्म तो बाबू बन गया तुम्हारा क्या, 0, ठीक है, क्या बन गया, ये बन गया 0, ठीक है। तो याद रखना पिछले में जो हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था दो आंसर आया था, है ना,
तो देखो, फोर में फोर चला जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ये इज इक्वल टू, छह में से चार घटा देंगे भाई, दो मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक, अब किसी के माइंड में आ रहा कि यार मैं ये नहीं करना चाहता, अरे ये मत करो, तुम्हें नहीं करना है कोई बात नहीं, करना है नहीं करना, आगे भी चलते हैं। अब क्या करना है अपने को, एक्स प्लस फोर को ऐसे ही रखते हैं, छह को सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस छह, छह माइनस छह, ठीक है चलो सबट्रैक्ट करो, तो एक्स, ठीक है, एक्स छह में से चार चला जाएगा, नहीं सिक्स में से फोर चला जाएगा, तो माइनस टू बचेगा, सिक्स में सिक्स जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना, माइनस, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, माइनस तो प्लस, क्या होगा प्लस होगा, टू आ गया यहां से, ठीक है बताओ कोई कंफ्यूजन है तो हटा दो इसको, ठीक है तो प्लस आ गया ना, अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है रूल नंबर टू में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, रूल नंबर टू में कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा फंक्शन भी दिखा देते हैं, देख लो, नहीं तो कहोगे फंक्शन नहीं करवाना, क्या क्वेश्चन है, एक्स प्लस फोर है, ठीक है, माइनस टू एक्स कर दिया हमने, इज इक्वल टू कुछ भी ले लो यार, प्लस माइनस कर रहे हैं ना, अच्छा सिक्स माइनस टू एक्स, ठीक है। अब क्या करना है कि वेरिएबल वाले को एक साइड पे करना है और कॉन्स्टेंट वाले को एक साइड पे करना है, ठीक है, तो एक्स माइनस टू एक्स इसको लिखा होगे तो प्लस टू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू सिक्स, ये सॉरी प्लस है तो माइनस फोर हो जाएगा, देखो प्लस माइनस ये तो पहले बेचारा जीरो हो गया, या इस तरीके से ना सोचो तो दो और एक तीन, प्लस वाले जोड़ लिया, माइनस टू एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो टू मिल गया, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स मिल जाएगा इक्वल टू टू, बशर्ते कंडीशन यह है कि सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर दो कर लो इधर चार कर दो, तो ये फिर इक्वेशन क्या होगा उसकी जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या मैंने कहा, मैंने कहा कि अगर सेम नंबर सेम फंक्शन सेम वेरिएबल रखते हो इक्वेशन में और उसमें ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस इक्वेशन में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको कॉपी अगर करना है तो करें। थर्ड रूल की तरफ चलेंगे, ठीक है, थर्ड रूल की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक, आइए तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल थर्ड रूल ये कह रहा है कि बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। फर्स्ट रूल आपने पढ़ा कि अगर हम किसी इक्वेशन के बोथ साइड पे ऐड करेंगे तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। सेकेंड रूल आपने ये पढ़ा कि अगर किसी इक्वेशन कि हम बोथ साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें सेम नंबर से सेम क्वांटिटी से सेम फंक्शन से तो किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। थर्ड में क्या है, कह रहा है कि अगर मैं इससे हट के बोल रहा हूं, ठीक है पहले मेरी बात सुन लेना उसके बाद में इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक, ऐसी तो हमने पढ़ ली है। अगर किसी इक्वेशन के बोथ साइड पे हम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, नहीं समझे बात को, क्या कह रहा तीसरा रूल, ये कह रहा थर्ड रूल कि यदि किसी इक्वेशन के बोथ साइड में सेम नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो को मतलब कि जीरो नहीं रखना है, ठीक है जीरो ना, नॉन जीरो नंबर से हम अगर मल्टीप्लाइड कर दें बोथ साइड पे तो किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग उस इक्वेशन में नहीं आएगा। वही कह रहा बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी, ठीक है, तो इस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आइए जरा सा देखते हैं क्या कर रहा है, मल्टीप्लाइड कर रहा है, ठीक है चलिए हमने स्टार्ट किया यहां से सॉल्यूशन किया, ठीक है
क्या कह रहा है कि बोथ साइड पे मल्टीप्लाइड करना है, तो मैं ऐसा करता हूं कि टू से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और टू से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करते हैं अपने आंसर क्या आया था। आंसर आया था एक्स इक्वल टू टू, इसको लिख लेते हैं, है ना। दोनों रूल में हमने कंप्लीट कर चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब आते हैं इस पर, चलिए मल्टीप्लाइड करते हैं। सबसे पहले है ना, बोथ साइड पे सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए, दो आना चाहिए, ठीक है। टू से मल्टीप्लाई एक्स को करेंगे तो टू एक्स, टू को मल्टीप्लाई फोर से करेंगे तो ये आ जाएगा एट, ठीक है, इज इक्वल टू सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है। तो टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, ठीक है, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस होगा एट, ठीक है। टू एक्स इज इक्वल टू, 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, मल्टीप्लाई है, राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। बता तीसरे नियम में हिंदी बोलने मजा आता है, ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता, थर्ड रूल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। चलो आगे में चलते हैं, कुछ अलग नंबर लेते हैं, कुछ अलग नंबर लेते हैं, ठीक है। यहां फंक्शन नहीं लेंगे बेटे, हमने ले लिया थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू सिक्स, मल्टीप्लाई करो जरा सा, थ्री एक्स थ्री फोर जा ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स थ्री जा एटीन, ठीक है। तो थ्री एक्स इज इक्वल टू एटीन, प्लस है, राइट में शिफ्ट करेंगे माइनस होगा, ट्रांसपोजिशन कर लो, ठीक है, ट्वेल्व आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो 18 में 12 चला जाएगा तो आपके पास में 6 बचेगा। x इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई है, राइट में शिफ्ट करोगे डिवाइड होगा तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, x इज इक्वल टू, बता कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, आपका बेस पहले सही से बनाए, उसके बाद में क्वेश्चन खींच देंगे हम तेजी से, ठीक है, क्वेश्चन तेजी से खींचेंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं है बाबू तो कॉपी करो, लास्ट हम आपको रूल समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद में लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करेंगे, रोकेंगे। लास्ट देखो, जिस तरीके से हमने एडिशन का मेथड पढ़ा, सब्ट्रैक्शन का पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, उसी तरीके से हम डिवीजन का पढ़ेंगे। पहले मेरे डिफिनेशन समझो, पहले मैं अपना डिफिनेशन बोल देता हूं, उसके बाद में आप ये डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे जो लिख के रखे, ठीक है। यदि किसी इक्वेशन, क्या हमने कहा, हमने ये कहा कि यदि किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नंबर से डिवाइड करें तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। फिर से सुनो, यदि किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड करें तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं डिफिनेशन, लिखा बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। क्या कह रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी अगर इक्वेशन में हम बोथ साइड पे डिवाइड कर दें सेम नॉन जीरो से, ठीक है, तो इस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, विदाउट चेंजिंग, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। एक बार और समझाते हैं लास्ट, फिर मैं रिकॉल करवा दूंगा जो जो मैंने करवाया, ठीक, फिर हम लोग लेक्चर को रोक देंगे। यदि किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाए तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। आइए जरा सा समझते हैं, एग्जाम्पल एक ही रखा है मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल एक ही रखा है ताकि आसानी से समझ में आए, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन या रूल क्या कह रहा है कि इक्वेशन में अगर सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया जाए तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में पर्सनली इसको मैं कर रहा हूं ट्रीट, ठीक है। रुको जरा सा, चलो करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, वो भी करके दिखाएंगे, परेशान मत हो। फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, वन टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू। ब्लैक से सॉल्व करेंगे, है वन को हमें किधर शिफ्ट करना है, तो वन को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, ठीक है। मुझे दो लगता लग रहा है कि दो आ जाएगा, दो तीन नहीं आ रहा ना यार, ठीक है। पूरे में डिवाइड करते भाई, पूरे में डिवाइड करो, एक पर्सनली करेंगे तो परेशानी आएगा, ठीक है। एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू सिक्स डिवाइडेड बाई फोर, ठीक। अब देखो कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक। अब क्या करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं कैंसिल कर देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलो जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ाया वो। तो 4 इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 6 इंटू फोर, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4 4 जा 16, 4x प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 24। 16 को आप लेके जाओ राइट हैंड साइड पे, क्या करोगे 16 को लेके जाओगे राइट हैंड साइड पे। 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 16, और अब क्या करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो यार आपको मिल जाएगा यहां से 8, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4। देखो मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। देखो यही आया है हमारा x इक्वल टू 2, और करवाते हैं कंफ्यूज मत। अच्छा वो गलती क्यों हो रहा था पता है, गलती क्यों हो रहा था कि एक नंबर को हमने किया था डिवाइड, पूरे को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी जो है हमारा वो चेंज हो रहा था। हम चेक कर रहे थे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है या नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें वेरिएशन हो रहा था, वन आ रहा था, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट, क्योंकि हमने एक्स को डिवाइड नहीं किया। अब सुनो, अब पहले इसको कॉपी करो फिर दिखाते, हो गया। जो हमने गलती कर रहा था वो चीज मैं दिखाता हूं, क्यों नहीं आ रहा था उसमें। यहां जो रूल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो नहीं आएगा। हमने क्या किया था देखो जरा सा, हमने किया था सिर्फ ओनली 4 को डिवाइड किया था, कैसे आ जाएगा यार बताओ। x को तो डिवाइड नहीं किए थे ना हमने, x को डिवाइड तो नहीं किए थे, ठीक है। इसको भी तो करोगे यार तभी तो होगा। अब है क्या, इससे पहले जो हमने काम किए वही तो है, नहीं समझे बात को। देखो x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 बाय 4, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिखो, x बाय 4 प्लस 4 बाय 4 इज इक्वल टू 6 बाय 4, ठीक है। गला ज्यादा खराब हो रहा है इसलिए परेशानी हो रही है, ठीक है। तो वही तो हमने किया। देखो मेरे को नई चीज नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करोगे यार, देखो कट करोगे इसको, कट करो 1 आ जाएगा, इसको कट करो 2, इसको कट करो जरा सा भाई कितना जाएगा 3 आ जाएगा। x by 4 plus 1 is equal to 3 by 2, पहले 1 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो x by 4 is equal to 3 by 2 plus, तो माइनस एलसीएम लेते हैं, x by 4 को कॉपी करेंगे हम, ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है देख लेते हैं, 2 1 जा 2 एक बार में आया, 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 ही आएगा माइनस, ठीक है, ये दो बार में आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो जरा सा यार, x by 4 is equal to इसको, तो यहां से मिल जाएगा 1 by 2, ठीक। अब क्या करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर क्रॉस नहीं करना मत करो, डिवाइड में राइट पे शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई में जाएगा, x is equal to 1 by 2
इंटू फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, एक्स इज इक्वल टू टू आ गया, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने किया था वो क्या किया था, हमने ये किया था पर्टिकुलर, हमने फोर को डिवाइड किया था और एक्स को डिवाइड नहीं किए थे, जिसकी वजह से हमारा डिफर आंसर आ रहा था। मतलब कि ये गलती आपको नहीं करना है बेटे, हमेशा याद रख ले, ये गलती कभी भी आपको भूल के नहीं करना है। ठीक है, बताओ अगर इसमें कंफ्यूजन है तो। ठीक है, और करवाते हैं, देखो आइए जरा सा। अब क्या करते हैं कि हम टू से डिवाइड करते हैं, दो से हम डिवाइड करते हैं, x by 2 पहले इसको करते हैं, और 4 by 2 is equal to 6 by 2 करते हैं। ठीक है, सेम नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करके करता हूँ या एलसीएम लेके करूँ, लेकिन कैंसिल लेके करता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या है, x by 2 plus 2 is equal to 3 बचा है, इसको शिफ्ट करो किधर, राइट हैंड साइड पे, तो x by 2 को तो हमने कॉपी कर लिया, is equal to 3 plus तो minus 2। ठीक है, x by 2 is equal to 3 में से 2 करें घटा देंगे, ठीक है, 3 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे 1। ठीक है, देखो अब यहां के बाद जो है ना वो आपका चलता है कंसेप्ट, यानी कि आपका कितना बेस क्लियर है, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाए, आप चाहें तो जो डिवाइड में टर्म है उसको राइट पे शिफ्ट करते जाओ, ट्रांसपोज हो जाता, उल्टा हो जाता, क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, वो करवा देंगे। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन होगा। ठीक है, अगर इस तरह नहीं समझना, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाएगा, जस्ट उल्टा उल्टा। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा यार कि मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में है तो ये राइट में जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू, मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ कोई कंफ्यूजन है, साइन कन्वेंशन भी हम करवाएंगे, भी प्रेशर मत हो, साइन कन्वेंशन को भी हम लेंगे, पहले यहां तक कॉपी कर लो। ठीक है, आराम आराम से करवा रहा हूं, आप भी आराम आराम से करो। चलिए अब तो ये चारों रूल कंप्लीट हो गया ना, पहले क्या करें, पहले साइन कन्वेंशन समझाते हैं, फिर रिकॉल करवाएंगे क्या क्या हमने लीनियर इक्वेशन में करवाया। ठीक है, एक ही लेक्चर में सारा जो है ना कंसेप्ट को हम कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलो साइन कन्वेंशन, ठीक है, एज पहले देख लेना यार, ठीक है, साइन कन्वेंशन देखते हैं। देखो पहली बात तो मल्टीप्लाई का हम सिखाते हैं, प्लस को अगर आप प्रोडक्ट करोगे प्लस वाले के साथ, यानी कि प्लस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो प्लस होगा, और प्लस को मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को मल्टीप्लाई प्लस के साथ में करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के साथ में तो प्लस होगा। ठीक है, ये चार आपको नियम याद रखना है, साइन कन्वेंशन है, ठीक है, चिन्ह का रूल आपको याद रखना है, ये चार है। ठीक, अब हम करवाते हैं ट्रांसपोज कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे पलटेगा, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो थोड़ा माफ कर रहा, ठीक है, ऐसी कोशिश करूंगा कि ना, ट्रांसपोजिशन, ठीक है, अगर प्लस है और इक्वल साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, और अगर माइनस है तो इक्वल साइड पे लेके जाएंगे क्या होगा, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई है इक्वल साइड पे लेके जाएंगे क्या होगा, और अगर डिवाइड है इक्वल साइड पे लेके जाएंगे क्या होगा। ठीक है, क्या हमने पहला देखा, ठीक है, अगर प्लस को हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा,
और माइनस को अगर हम प्लस सॉरी पहले लिख दो यार यहां, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और अच्छा रहेगा ठीक। तो अगर माइनस को हम यानी लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है अगर लेफ्ट में तो राइट में जाके ये डिवाइड बन जाएगा, और अगर डिवाइड है तो ये राइट में जाने के बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक। अब जरा उल्टा चलते हैं ठीक। देखो अगर माइनस है उसको लेफ्ट पे लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा ठीक, और अगर प्लस है इसको आप लेके आओगे लेफ्ट पे तो माइनस हो जाएगा ठीक। अब यहां से थोड़ा कलर चेंज करना चाहिए ठीक, और अगर डिवाइड है और इसको राइट में डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो बेटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड बन जाएगा, ये याद रखो दोनों ठीक, दोनों याद रखो। इस तरीके से समझो दोनों साइन कन्वेंशन ब्लैक में दिखा दें ताकि आपको अच्छे से दिखे, ब्लू में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, यहां से मैं क्लियर कर दूं। एक आपको ये याद रखना है, दूसरा प्लस माइनस दोनों एक ही में कर दिए हमने, अब आ जाओ दूसरा है हमारे पास में, अगर इनटू में है ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन ले लो, इक्वल का साइन ले लो तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से याद रखो यार दो ही ठीक, दोनों हमने एक साथ में रिप्रेजेंट कर दिए। तो यार देखो ये है आपका बेसिक, ये आपका फाउंडेशन, अगर आपने इतना काम कर लिया ना, अगर आपने इतना बेसिक अपने कंसेप्ट को रखते हो माइंड में तो आपको मैथ में कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी न्यूमेरिकल पार्ट आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको कोई भी दिक्कतें कोई भी परेशानी नहीं आएंगे ठीक है। तो जल्दी हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो हमने आपको ये बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम उसे कहते हैं यदि यदि उसे ax प्लस b इक्वल टू जीरो के फॉर्म में व्यक्त कर सके तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है। उसके बाद में हमने दो मेथड पढ़ा था, मेथड क्या हमने पढ़ा था उससे पहले एक बात और बताया कि e जो था वो कोफिशियंट ऑफ x था ठीक है, और x को हम क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं, b हमारा क्या था कांस्टेंट टर्म था ठीक है, और जो बराबर का चिन्ह था उसको हम इक्वेलिटी कहते हैं ठीक है। यहां तक हमने समझाया था ठीक, आगे चलते हैं। मेथड हमने देखे, पहला मेथड देखे थे ट्रांसपोजिशन ठीक है। ट्रांसपोजिशन में हमने ये समझा था कि यदि किसी इक्वेशन में ठीक है एक वेरिएबल को या तो फंक्शन को या तो टर्म को हम राइट साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो उसका जो साइन कन्वेंशन होता है वो बदल जाता है ठीक है। उसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखे थे ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम क्या करते हैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है। उसके बाद में ये हमने चारों रूल देखे थे बैलेंसिंग का, तो बैलेंसिंग में पहला रूल देखे थे कि यदि किसी इक्वेशन में बोथ साइड में हम क्या कर दे ऐड कर दे सेम क्वांटिटी से तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। फिर हमने सेकेंड रूल ये देखा कि यदि किसी इक्वेशन में हम सेम क्वांटिटी या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। थर्ड में हमने ये देखा था कि यदि किसी इक्वेशन में बोथ साइड में क्या करें हम कि सेम नंबर या सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें तो उस इक्वेशन में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है ठीक है। फोर्थ में हमने ये जाना कि यदि किसी इक्वेशन में बोथ साइड सेम नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर दें तो उस इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है
ठीक है, ये हमने बेसिक या तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल जो हमारा कंसेप्ट था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ये हमने जाना। ठीक है, और आज हम लोग जो है यही रोकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, जो हमने कंसेप्ट आपको करवाया है ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और साइन कन्वेंशन को आप माइंड में रखेंगे ताकि क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।